आज मसाला किचन में बन रहा ऐसा चटपटा सा चिवड़ा जिसे आप खा सकेंगे आराम से। ये नमकीन इतना टेस्टी, इतना अमेजिंग बनेगा जितना मन चाहे थोड़ा थोड़ा बनाएं, चाहे डब्बा भर के काफ़ी सारा बनाएं और इसे एयर टाइट जार में रखें, काफ़ी दिनों तक इसका एंजॉय कर सकते हैं। और इसमें जो एक एक चीज़ डाली है वो काफ़ी हेल्दी चीज़ें हैं, आप उनमें से कोई चीज़ स्किप भी कर सकते हो और चीज़ें बढ़ा भी सकते हो। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। तो यहाँ देखिए मैं लेके आ रही हूँ इस नमकीन बनाने के लिए, सबसे पहले लेते हैं हम मखाने जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। मैंने एक बड़ा बोल मखाने ले लिए हैं, आधा कटोरी मैंने बादाम ले ली हैं, बादाम भी हमें खानी चाहिए, 1/4 कटोरी मैंने कद्दू के सीड्स लिए हैं, 2 कप मैंने ले लिए हैं भर के, ये है पोहा, ये है पेपर पोहा, नाश्ते वाले पोहा नहीं, पेपर पोहा जो हल्के से होते हैं बिल्कुल। आधी कटोरी से कम मैंने ले लिए काजू। ये देखिए एक और हेल्दी चीज़ है जिसे सनफ्लावर सीड्स कहते हैं, ये मैंने 1/4 कटोरी लिया है, और 1 कटोरी लिया है मैंने मूंगफली, आधा कटोरी किशमिश, और कुछ मैंने मसाले लिए हैं जैसे करी लीव्स, हरी मिर्च सूखी हुई, ऐसे आप और भी कई चीज़ें डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें कुल मिलाकर बहुत अच्छी हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फॉक्स नट जो मखाने होते हैं उन्हें सेकने। एक कढ़ाई ले ली है, बिना घी के मैं ऐसे धीमी आंच पे सेकूंगी, कम से कम 5-7 मिनट भले ही लग जाएं, लेकिन जब तक हाथ से न टूटे तब तक आप इसे भूनते रहिए। मखाना में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, ये सभी आयु के लोग खा सकते हैं, चाहे बुजुर्ग हों या बच्चे हों, जो आपकी स्ट्रेस को दूर कर देगा। हाई पेशेंट वाले लोगों को, शुगर पेशेंट वाले लोगों को तो जरूर खाना चाहिए। बहुत सारे फ्लेवर में हम इन्हें बना सकते हैं, तो आज तो इसे हम नमकीन के साथ यूज़ कर रहे हैं। जब तक हमारे मखाने रोस्ट हो रहे हैं तब तक हम पोहे को छान लेते हैं। पोहे में बारीक बारीक जो कण होते हैं वो अच्छे नहीं लगते, तो इसे हम छान लेते हैं आटे की छन्नी से। ये आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे मिल जाएगा, इसे पेपर पोहा भी कहते हैं और इसे पतला पोहा भी कहते हैं। मखाने इस तरीके से हाथों से टूटने चाहिए। लीजिए अब हमारे मखाने रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसी पैन में बिना ऑयल के हम ये डाल रहे हैं पेपर पोहा। ये जो पेपर पोहा है थोड़े चौड़े चौड़े होते हैं और जैसे जैसे ये सिकते जाएंगे ये श्रिंक होते जाएंगे और क्रिस्पी होते जाएंगे। पोहा आसानी से डाइजेस्ट होने वाला है, पोहा हमें कभी भी नाश्ते में शाम के टाइम पर खाना चाहिए, और ये हर जगह मिल जाता है इजीली, काफ़ी सस्ता भी होता है, और एक खास बात ये ग्लूटेन फ्री होता है। आप चाहें तो इसमें ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए पोहा अच्छे से सिक गए हैं, पहले चौड़े चौड़े थे अब थोड़े से मुड़ से गए हैं, मतलब श्रिंक से हो गए हैं, मतलब ये क्रिस्पी हो गए हैं। इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस क्रिस्प करना है। इन्हें भी मैं निकाल लेती हूँ। आप किसी भी इंग्रेडिएंट को बढ़ा सकते हो, किसी भी इंग्रेडिएंट को कम कर सकते हो। कई बार हम देर रात तक बैठते हैं तो कुछ खाने का मन करता है, कभी शाम को कुछ खाने का मन करता है, तो ये बहुत ही बढ़िया नाश्ता है, आप बना कर रखिए और इसे आराम से इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ डाल रही हूँ मैं पीनट, पीनट को रोस्ट कीजिए और पीनट को जितना भी डालना चाहें डाल सकते हैं, ये है सेहत का खजाना। अब यहाँ ले रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून घी और 1 कटोरी इसमें डाल दिया मैंने पीनट। मूंगफली स्किन की चमक को बरकरार रखता है, इसमें विटामिन ई, विटामिन B6 बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जितना कि हमें बादाम में प्रोटीन वगैरह मिलता है उतना ही हमें पीनट में भी मिल जाता है। आप यकीन मानिए अगर आप सूरत या गुजरात कहीं जा रहे हैं, बीच में भरूच आता है, वहाँ पर भरूच के बादाम के नाम से ये जाना जाता है, बहुत टेस्टी होता है, गुजरात में इसकी साइज़ भी काफ़ी बड़ी मिलती है, हमारे यहाँ इसे बहुत पसंद किया जाता है और काफ़ी मात्रा में इसे आप खा सकते हैं, और ये बादाम से कहीं ज़्यादा सस्ता होता है। विटामिन डी और कैल्शियम भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है, तो हमें तो इसे कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। मूंगफली काफ़ी अच्छे से सिक चुके हैं, अब मैंने इसमें डाल दिया काफ़ी सारी करी पत्ता और साथ में थोड़ी सी राई के दाने,
ये भी बहुत हेल्दी होता है। साउथ में इसे हर चीज में डालकर खाया जाता है। साउथ के लोगों का आपको पता है उनके बाल कितने स्वस्थ होते हैं। उनके खाने में एक नारियल, एक मूंगफली और एक ये कड़ी पत्ता हमेशा होता है। तो हमें इन हेल्दी चीज़ों को ज़रूर खाना चाहिए। कड़ी पत्ता थोड़ा सिक गया, मूंगफली सिक गया। अब मैंने लंबी लंबी पतली पतली स्लाइस की हैं गोले की, गरी का जो गोला होता है ना सूखा उसकी, इसे भी मैं इसके साथ सेक रही हूँ। कभी कभी हमारे पास ये नहीं होता, ताज़ा होता है, तो ताजे को आपको फिर पहले डालना होगा, उसे थोड़ा ज़्यादा सेकना होगा, नहीं तो हमारा नमकीन खराब हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको धीमी आंच पे ही सेकनी हैं, जिससे कम घी में हमारी सारी चीज़ें तैयार हो जाएं। मैं बारी बारी से मसाला किचन में काफ़ी सारे नमकीन डालती रहती हूँ। उनमें से आपने कौन सी रेसिपी ट्राई की है, कैसी लगी है, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखिए, मूंगफली, कड़ी पत्ता और गरी ये तो हमारी थोड़ी सिक गई हैं। अब बारी बारी से हम डालेंगे इसमें बादाम। बादाम भी कई लोग रोज़ खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कई लोग अखरोट खाते हैं, जो भी आप खाते हो वो डाल सकते हो। अखरोट का भी जो ऑयल होता है हमारे घुटनों के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। हर डॉक्टर रिकमेंड करता है कि अगर आप 30-40 प्लस हैं तो आप ये चीज़ें ज़रूर खाएँ। अभी मैंने अखरोट तो नहीं डाले, लेकिन मैंने बादाम डाल दिया और पीनट। अब इसी में मैंने काजू भी डाल दिए। इन सारी चीज़ों को हमें धीरे धीरे सेकना है। हमें अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सी चीज़ सिक चुकी है। अब जब तक कि ये काजू में हल्का सा गोल्डन कलर ना आए, तब तक हमें समझना है कि इसे और सेकना है। लीजिए, इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम जो मेन इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से मैं नमकीन बना रही हूँ, वैसे हम ये कद्दू के बीज ऐसे अकेले नहीं खाते हैं, आलस आता है। मैं डाल रही हूँ कद्दू के बीज और डाल रही हूँ सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। सारे पोषक तत्वों का पावर हाउस है कद्दू के बीज, इसे ज़रूर डालिए। यहाँ मैंने बहुत कम यूज़ किए हैं, लेकिन आप इसे और ज़्यादा डाल सकते हैं। कलरफुल तो लगते ही हैं और ये हेल्दी बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारी अच्छी नींद के लिए, हमारे अच्छे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक और बात, मैंने एक प्रीमिक्स भी बनाया है जो कि बहुत जल्दी मैं आपको देने वाली हूँ, माँ ये कैसे करूँ, हमारा जो दूसरा चैनल है। उसमें अगर किसी को नींद नहीं आती है, उसकी मैंने एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दी है, प्रीमिक्स दिया है, उसे आप देखें और आपको भी बेहद पसंद आने वाला है। इस तरीके से मेरी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पक चुकी हैं, सब में क्रंच आ चुका है। अब लास्ट बस मैं डाल रही हूँ इसमें किशमिश, आधा कटोरी किशमिश। किशमिश से हल्की सी मिठास सी आती है, इसलिए बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो उसे स्किप कर सकते हैं। अब इसमें मैंने डाल दी है साथ में सूखी हरी मिर्च। असल में क्या होता है, हमें थोड़ा तीखा भी चाहिए, तो मैं हरी मिर्च को अक्सर जब मेरे पास किचन में ज़्यादा होती हैं तो काट के मैं सुखा देती हूँ। मुझे नमकीनों में डालने में अच्छा लगता है, तो मैंने वो भी इसमें डाल दिया है। यहाँ डालेंगे थोड़ा हल्दी पाउडर। आप अपने हिसाब से मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्वाद अनुसार थोड़ा नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा मैं चाट मसाला और भी डाल देती हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। अब ये डाल रही हूँ मैं एक चम्मच पिसी चीनी। आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। एक्चुअल मेरा मतलब था कि थोड़ा खट्टा लगे, थोड़ा मीठा लगे, थोड़ा चटपटा लगे। ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अब लास्ट में इसमें मखाने और मैं पोहे डालूँगी। पोहे को थोड़ा धीरे धीरे चलाइए, क्योंकि ये जल्दी टूट भी जाते हैं। अब डालेंगे हम इसमें पोहे, पोहे को थोड़ा चला लेंगे, उसके बाद डालूंगी मैं मखाने। अब ये बिल्कुल एक चम्मच घी में हमारा तैयार हो चुका है नमकीन, जिसे आप खाते टाइम बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करेंगे कि मैं नमकीन खा रही हूँ।
तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, टोटल हेल्दी नमकीन है, आप जितना चाहे मन से खा सकते हैं। इसे थोड़ा सा चाहे तो और सेक लें, पर यूं तो बढ़िया कलर आ गया है, मैं अब इसे निकाल लेती हूँ। आप चाहते तो इसमें थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। अगर आपके पास हरी मिर्च वगैरह नहीं है तो कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हो। बहुत ही बढ़िया लाइट कलर का ये नमकीन तैयार हो गया है, जो कि बहुत ही पसंद आने वाला है आपको। बारिश के टाइम में हम पैकेट खोलते हैं, फिर सील जाते हैं। आप थोड़ा थोड़ा घर में नमकीन बनाइए, ख़त्म होने के बाद फिर दूसरा ट्राई कीजिए। आपको ये कैसा लगा मेरा ये आइडिया हेल्दी नमकीन बनाने का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।